बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिन को, कछ देश ताए मान ही जाए पहुँचे इन मो, जाए पहुँचे इन मो। कोई क दिन तहाँ रहे साख न होए अंदर। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्राणाधार आत्मसंबंधी सुंदर साहब जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से 11 वर्ष की उम्र में श्री देवचंद्र जी के मन में अध्यात्म के वे मूल प्रश्न उठने शुरू हो गए। उनके उत्तर की खोज में कैसे उन्होंने बाल्यावस्था से ही अलग अलग मंदिरों में खोज करना शुरू किया। पहले पिंगल श्याम के मंदिर में लगभग 5 वर्ष तक प्रतिदिन नियमित रूप से 3 घंटे की दंडवत परिक्रमा की, फिर संयोगवश अपने पिता के साथ कच्छ पहुँचे। वहाँ जा कर के मंदिर को देखा, वहाँ के साधु संतों को देखा, तो उनके मन में लगा कि मुझे वापस कच्छ जाना है। फिर कैसे घर पहुँच करके तैयारी की, पता किया कि कोई जा रहा है नहीं जा रहा है। फिर खांडा विवाह के लिए जो वजीर और वहाँ के सैनिक वगैरह जा रहे थे कच्छ मारवाड़ से, उनके पीछे पीछे चले गए। रास्ते में किस तरह से राज जी ने एक सिपाही के वेश में दर्शन दिया, कैसे वो कच्छ पहुँचे और वहाँ जा कर के कैसे खोज करना शुरू किया। खोज के क्रम में वे नाथ पंथ के योगियों के पास गए। उन्होंने दत्तात्रेय जी के नाम का गुरु मंत्र दिया और उसी का जाप करने के लिए कहा। वहाँ भी जब उनकी आत्मा नहीं मानी तो कैसे वे आगे बढ़े और अब अनेक आडंबरधारी गुरुओं के पास जा रहे हैं। इनमें से अब वो गुरु हैं जिनको कनफटे साधु कहा गया है, जो कि राजगुरु कहलाते थे, जिनको नाथपंथ कहा गया। अब वहाँ से भी कुछ दिन तक रुकने के बाद, ये चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि कोई एक दिन तहाँ रहे साख न होए अंदर। इसमें सोच रहे होंगे कि क्या गुह्य बात है, क्योंकि चौपाई का शाब्दिक अर्थ है कि कुछ दिन तक वहाँ रहे कनफटे साधुओं के पास, राजगुरुओं के पास में, लेकिन अंदर से साक्षी नहीं मिली। इसमें रहस्य ये है कि अध्यात्म को मानने के, अध्यात्म को पहचानने के 4 अलग अलग स्तर होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है श्रुति। श्रुति का मतलब क्या है? वेद, जो कि सुन करके पहले याद किए जाते थे, पहले लिखने का प्रचलन नहीं था, लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो सबसे पहले वेदों का ज्ञान आया। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में। उसके बाद वह ज्ञान श्रुति परंपरा में होते होते ब्रह्मा जी ने, अब तक क्योंकि एक एक वेद आया था एक एक ऋषि के हृदय में, अब ब्रह्मा जी ने उन 4 वेदों को सुन करके याद किया। इसलिए तो ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 4 वेदों को कंठस्थ किया था और
चारों वेदों के माध्यम से वो परमात्मा को की भक्ति करते थे, उनकी प्रार्थना उपासना करते थे। और इसी तरह से श्रुति परंपरा में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वेदों को याद किया, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये प्रचलन चलता ही गया। और जब लिपि का विकास हुआ तो सबसे पहले कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने चारों वेदों को लिपिबद्ध किया था, तो इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। उसके बाद आते हैं स्मृति, मैंने चार चीज़ें बताई थी, है ना। तो पहले है श्रुति, जिसको कहा जाता है वेद, उसके बाद कहा जाता है स्मृति। स्मृति में क्या क्या आते हैं, उपनिषदों को भी स्मृति ग्रंथ में माना जाता है। उसके बाद मनुस्मृति है, विदुर स्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है, ऐसे अनेक ऋषियों के कथन को। वेद ऋषियों के हृदय में भले ही आए लेकिन उनको ऋषि का ज्ञान नहीं माना जाता, उसको ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, अपौरुषेय माना जाता है। लेकिन उपनिषद और स्मृति इत्यादि जो ग्रंथ है वो ऋषिकृत है। तो दो चीज़ें हो गई, एक है श्रुति की साक्षी, दूसरी है स्मृति की साक्षी, तीसरा है सदाचार। सदाचार का मतलब श्रुति और स्मृति के आधार पर जो आचरण की बात की जाती है, क्योंकि पहले तो धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान है वो ज्ञान रूप में है, शब्द रूप में। अब उसका आचरण जब करने लग जाते हैं हम, कि सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, हितकारी बोलना है, चोरी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, अपने इंद्रियों पर संयम करना है, तो ये जब हम करने लगते हैं तो ये धर्म का चरण है, धर्म को मानने का, धर्म को पहचानने का चरण है। क्योंकि जब हम चलना शुरू करते हैं तब हमें अध्यात्म की सच्ची पहचान होती है। बिना चले सिर्फ श्रुति और स्मृति की बातें करना, धर्म ग्रंथों की बातें करना, ये अध्यात्म को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं कहूं कि गुड़ मीठा होता है और कभी मैंने चखा ना हो, तो मैं कह तो दूंगा, सुनने वाला भी किसी तीसरे व्यक्ति को बता देगा कि गुड़ मीठा होता है, लेकिन कहने वाले व्यक्ति को भी स्वाद पता नहीं कि वास्तव में मीठा का मतलब कैसा होता है। क्योंकि मिठास अनेक तरह की होती है ना। आप दुकान में जाते हैं, अगर मिठास एक ही तरह की हो तो दुनिया में एक ही मिठाई प्रसिद्ध हो, एक ही मिठाई चले। गुलाब जामुन आप खाते हैं उसकी मिठास अलग होती है, रसगुल्ला खाते हैं, बर्फी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, सबकी मिठास अलग तरह की होती है। चीनी की मिठास अलग, मिश्री की मिठास अलग, इसी तरह से गुड़ की मिठास भी तो अलग होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, अनुभव से। तो सदाचार धर्म को जानने की तीसरी सीढ़ी है, तीसरी अवस्था है। लेकिन इन तीनों से भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अंतरात्मा की गवाही, अंतरात्मा की साक्षी। आपको कोई कितना भी कह दे कि ये सही है ये गलत है, जब तक आपका मन नहीं मानेगा। लोक व्यवहार में क्या कहते हैं लोग, कि सुनो सबकी पर करो मन की, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, वाणी क्या कहती है, जो लो आत्म न देवे साख तो लो प्रबोध दीजे 10 लाख। जब तक आत्मा गवाही नहीं देगी तब तक चाहे 10 लाख प्रमाण क्यों न दिए जाए, आप किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे। आप कहेंगे होता होगा, लिखा होगा, ऐसा कह करके आप नकारते रहेंगे जब तक आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी तब तक। अब श्री देवचंद्र जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ कुछ दिन देखते हैं रह करके, आत्मा गवाही नहीं देती है कि ये तो नहीं हो सकता, ये मेरी मंजिल नहीं हो सकती, ये मेरा लक्ष्य नहीं हो सकता, और न ही ये लक्ष्य को पाने का जरिया हो सकता है, तरीका हो सकता है। तो वो पूछते हैं चर्चा के लिए, कह रहे हैं पूछी चर्चा तिनकी कछु न पड़े खबर। अब श्री देवचंद्र जी चर्चा के विषय में पूछते हैं, लेकिन अब किसी को भी अता पता ही नहीं है, कोई भला क्या सुनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूर्ति को दिखा रहे हैं, मंदिर को दिखा रहे हैं, या फिर एकाध मंत्र दे करके कह रहे हैं इसका जाप करो, कुछ प्राणायाम कर लो, इस तरह से योग इत्यादि सिखा रहे हैं। योग में भी योग के एकाध अंग सिखा रहे हैं। अब वहाँ पर भी देवचंद्र जी को संतुष्टि नहीं मिली। अब क्या किया उन्होंने,
आगे कह रहे हैं, फेर बैरागी कापड़ी में रहे कोई एक दिन। कुछ ऐसे वैरागी जो विरक्त हैं, घर बार का त्याग किया, लेकिन उनको क्या कहा गया है, कापड़ी। शुद्ध शब्द होता है कापालिक, कापालिक शब्द है, उसको अपभ्रंश रूप में कापड़ी कहा गया है। अब कापालिक किसे कहते हैं, ये जो खोपड़ी होती है ना, उसको कपाल कहा जाता है, बताए बोलचाल में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तामसिक तप करते हैं, हठ। तामसिक तप का मतलब ऐसा कि वो तमोगुणी भोजन भी करते हैं, और तमोगुणी तो चलो फिर भी समझ में आता है, वो तो यहाँ तक कि ये जो कापालिक हैं वो रहते हैं नदी के किनारे शमशान घाट में, अगर मरा हुआ इंसान भी मिले तो इंसान के मांस को भी वो खा लेते हैं, और जो इंसान की खोपड़ी होती है उस खोपड़ी में वो भोजन लेते हैं। जैसे हम बर्तन में नहीं खाते, बर्तन के रूप में इंसान की खोपड़ी का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनको कापालिक कहा जाता है। अब वो क्या सोचते हैं कि ऐसा करने से हमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, हमने मन को जीत लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो घिनौनी है ना। अब कोई घिनौनी चीज़ को कर पा रहा है सरलता से, तो उनकी दृष्टि में यह है कि हमने मन को जीत लिया, अब हमें घृणा नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। वे ऐसी गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं जिसके कारण उनके मन में तमोगुण का प्रभाव इतना पड़ चुका है कि अब उनको पता ही नहीं कि ये सही है और गलत है। ये वैसा ही है जैसे मैंने सफ़ेद वस्त्र पहन रखा है, सफ़ेद वस्त्र में अगर कोई भी अलग रंग अगर उसकी छींटे पड़ेगी तो दिखेगा, दूर से दिखाई पड़ेगा तो पता चलेगा कि ये तो सफ़ेद है, अथवा ये पीला है, ये काला है, लेकिन जो पहले से ही इतना काला हो उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता, और काले में कालिख पता चलेगा। इसी तरह से कापालिक भी इस तरह से तमोगुण में रंग जाते हैं कि उस कालिख में किसी भी तरह के तमोगुण का उन्हें असर ही नहीं होता। जो व्यक्ति प्रतिदिन खूब मिर्च मसाला वाला भोजन खाता हो अगर, तो उसको सामान्य रूप में मिर्ची वाला भोजन दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, वो खा लेगा। और किसी की आदत ही नहीं होगी तो वो थोड़ा सा भी एक दाना भी अगर पड़ेगा तो वो उससे तड़प जाएगा, उसके मुंह में जलन होगी, वो पानी मांगेगा, मीठा मांगेगा कि कुछ तो दे दो। इसी तरह से कापालिक साधुओं के साथ भी है, कहने को तो वैरागी हैं लेकिन उनके अंदर तमोगुण का विकार इतना अधिक होता है कि अगर उन्हें कुछ कह दिया जाए, कुछ भी जो उनकी इच्छा के विपरीत हो, तो वो तुरंत मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आज से लगभग 10-11 साल पहले, मेरे ख्याल से 2008 के आसपास, हरिद्वार में मेला लगा था कुंभ का। अब वहाँ कुछ इसी तरह के साधु आए हुए थे, तो होता है ना कि पहले स्नान कौन करेगा, तो दो अलग अलग गुट के साधुओं में विवाद शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। अब उस लड़ाई में बीच बचाव करने के लिए पुलिस वाले आए, तो उन तथाकथित साधुओं ने पुलिस वालों को पकड़ पकड़ करके गंगा में फेंक दिया। अब पुलिस वालों ने भी फिर आत्मरक्षा में गोली चलाई, तो गोली लगने से कुछ लोग मरे, कुछ लोग गोली की आवाज़ सुन करके भगदड़ में मरे, और जो पुलिस वालों को नदी में फेंक दिया होगा, जिनको तैरना आया, जो बच सके वो बच गए, नहीं तो वो भी मरे। ये अध्यात्म नहीं है। तो कुछ जो कापालिक थे वैरागी, उनके शरण में गए, कुछ दिन तक रुके, लेकिन वहाँ पर भी क्या करें कि वस्त्र न देखी तिन में, उनमें कोई भी आध्यात्मिक वस्तु नहीं दिखी, कोई संपदा नहीं दिखी। और देवचंद्र जी ने देखा कि ये तो क्या कर रहे हैं, परे इंद्री बस मन, ये तो अपने इंद्रियों के वश में है, ये तो अपने मन के वश में है। कहने को भले ही घृणित वस्तुओं को भी वो स्वीकार कर लेते हों, लेकिन वो भी इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही ऐसा कर रहे हैं। अब इसी तरह से
श्री देवचंद्र जी वहाँ से आगे बढ़े। इन भात महजिद में मुल्ला की करी सोहबत। अब हिंदू मठ मंदिरों में खोजते गए, साधु संतों में खोजते गए कि यहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों में चल के देख लेते हैं कि क्या पता इनके पास ज्ञान हो, क्योंकि ये तो खोजी है ना। तो इन्होंने जा कर के देखा तो मस्जिद में क्या देखते हैं कि पांच वक्त उठ कर के पहले कलमा बुलाया जाता है। कलमा में क्या कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब कि अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है और मुहम्मद उनके रसूल हैं। इस तरह से लोगों को बुलाया जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद में नमाज होता है पांच वक्त का। फिर इन्होंने देखा कुछ दिन रह करके कि अच्छा इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो जैसे रोज़ा करते हैं, रोज़ा के बारे में उन्होंने सुना क्योंकि वो तो साल में एक बार आता है ना, और देवचंद्र जी कुछ ही दिन रुके हैं, तो रोज़ा के विषय में सुना कि अच्छा ये रोज़ा करते हैं और रोज़ा के समय में क्या करते हैं। कबीर जी कहते हैं, दिन को रोज़ा रखत है रात हनत है गाय। दिन में रोज़ा रख लिया और रात को अगर गाय काट रहे हैं तो ये कैसा रोज़ा हुआ। और ये कुरीति उनमें ही नहीं है, मुसलमानों में ये कुरीति है, लेकिन हिंदुओं में क्या है। हमारे यहाँ व्रत किया जाता है तथाकथित रूप से, और उसमें दर्जन भर केले और जो भी चीज़ें हैं, साबूदाना की खीर खा रहे हैं हम, ठीक है, पूड़ियाँ खा रहे हैं अलग अलग तरह से फलाहारी करके। ये व्रत उपवास किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं, कि उस दिन भोजन की चिंता नहीं है। भोजन नहीं करने से क्या होता है, शरीर थोड़ा हल्का होता है, पेट थोड़ा हल्का होता है, सात्विकता आती है, भोजन का रजोगुण और तमोगुण नहीं रहता है। तो उस एक दिन में, कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा हो जिसमें हम परमात्मा का चिंतन करें, थोड़ा ध्यान भक्ति की तरफ समय लगाएं। जबकि देखने में क्या आता है वर्तमान समाज में, कि जिस दिन लोग उपवास रखते हैं भले ही दूसरे दिन समय निकालें, लेकिन उपवास के दिन उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि आज के दिन हम क्या क्या खा सकते हैं। ऑप्शन ढूंढने में पूरा दिमाग लग जाता है कि अच्छा ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, फिर काहे का उपवास, इससे अच्छा तो सामान्य जीवन व्यतीत करते, सामान्य भोजन कर लेते, सोचने की चिंता करने की कोई बात नहीं होती, फिर थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते। तो ये हिंदुओं में भी है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, नवरात्रि के दिन 9 दिन तक जितने भी मुर्गे बकरे हैं वो चैन मनाते हैं कि चलो 9 दिन तक अब हमारा कुछ नहीं होगा, और 10वें दिन ही क्या करते हैं। अच्छा, उनको ये सवाल पूछा जाए कि 9 दिन तक ऐसा क्यों नहीं करते, तो क्या कहेंगे कि ये पाप होता है ना। इसका मतलब उन्हें पता है कि पाप क्या है, 9 दिन तक कोई गलत काम नहीं करना है ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब ये कि उन्हें पता है कि ये गलत है, फिर 10वें दिन भी तो वो गलत ही होना चाहिए ना, क्योंकि जो सत्य होता है वो सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है, हमेशा के लिए होता है। तो इसी तरह से मुसलमानों में भी देखा देवचंद्र जी ने कि ये रोज़ा के नाम पर ऐसा करते हैं, फिर यही सब चीज़ें देखी, कलमा, नमाज, जकात, रोज़ा, हज, ये सब देखी। फिर वहाँ भी देखा कि इनके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि जाहिरी मुसलमानों के पास कर्मकांड के अलावा, शरीयत के अलावा कुछ नहीं है, और कर्मकांड तो वो देख ही आ रहे थे इतने वर्षों से, उससे उनको कुछ मिला नहीं था, तो वहाँ कुछ नहीं मिला उनको। तो आगे चले गए, कह रहे और ब्राह्मण वेश कही और भेष सब ठौर। अब कुछ ब्राह्मणों के पास चले गए, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारी, क्योंकि जितने संप्रदाय होंगे प्रत्येक संप्रदाय की अलग अलग वेशभूषा होती है। जो शिवजी को मानने वाला होगा वो यहाँ पर माथे पर भभूत लगाएगा, जो विष्णु भगवान को मानने वाला होगा वो ये यहाँ पर चंदन की तिलक करेगा। अब चंदन की तिलक में भी झगड़ा इस बात का है कि कोई यहाँ पर यू की आकार का चंदन लगाता है, कोई बिल्कुल बिंदे के आकार का देता है, कोई सूर्य की तरह जैसे होता है ना झंडे में, जैसे सूर्य बनाया गया ना अलग अलग एंगल वाला, वैसे बनाता है, कोई अर्धचंद्रकार बनाता है। सबके अपने अपने झगड़े हैं, सबको लगता है कि हम ही सही हैं बाकी सब गलत है। तो अलग अलग प्रकार के वेशभूषा को देखा श्री देवचंद्र जी ने, और देख रहे हैं कि ये तो अध्यात्म नहीं है।
तो कल भी हमने एक उदाहरण से समझा था कि ये सब आडंबर जो हैं इनकी शुरुआत कैसे होती है, कि ऐसा करने से सही कैसे होता है। और ऐसा नहीं कि ये आडंबर किसी एक संप्रदाय विशेष में, सब में है। और ये आडंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रत्येक आडंबर का मूल है अज्ञानता। जहाँ अज्ञानता होगा, जहाँ धर्म का ज्ञान नहीं होगा, वो किसी विशेष आडंबर को ही धर्म समझ लेंगे। जैसे एक मत है, एक संप्रदाय है जिसको हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं, उसमें महावीर स्वामी ने अपने कपड़े नहीं उतारे थे। दिगंबर मत है ना, महावीर स्वामी ने पहने हुए वस्त्र नहीं उतारे, और पहने हुए वस्त्र उतार करके वो नग्न नहीं हुए, दिगंबर नहीं हुए। उनके साथ क्या हुआ कि कई वर्षों तक वन में रह करके ध्यान करते थे। आजकल की तरह तो ऐसे कपड़े नहीं होते थे ना, ब्रांडेड वाले काफ़ी साल तक टिक जाते हैं, वैसे नहीं। पहले के समय में कच्चे धागों से कपड़े बनाए जाते थे, हाथ से, हथकरघा इत्यादि से। अब कुछ समय तक पहने, अब जंगल में तप कर रहे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सहन कर रहे हैं। तो होता क्या है, कोई भी कपड़ा अगर भीगे, लगातार लंबे समय तक भीगे, तो क्या होता है, कपड़ा धागा कच्चा हो जाता है। अब वर्षा के समय में उन्होंने कई लंबे समय तक बाहर रह करके तप किया, इसकी वजह से उनके शरीर में जो कपड़े थे वो धीरे धीरे करके फटते गए और गिरते गए। अब चूंकि उनका उनकी जो अवस्था है वो शरीर भाव से ऊपर की अवस्था थी, अब ऐसे व्यक्ति को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कपड़ा पहन रखा है, और न ही इस बात से फर्क पड़ता है कि उसने कपड़ा नहीं पहना है, क्योंकि शरीर वाला भाव है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि महावीर जी ने अपने वस्त्र नहीं उतारे, लेकिन उनकी देखा देखी कोई व्यक्ति अगर अपने वस्त्र को उतारता है और सोचता है कि मैं सच्चा जैन हूँ, मैं सच्चा धार्मिक हूँ, तो आप बताइए कि वो सही है कि गलत है? महावीर स्वामी जी ने जो सिद्धांत बताया धर्म का, जो भी बताया होगा, उसका अगर कोई पालन कर रहा है तो वो धार्मिक है। लेकिन सिर्फ बाहरी चीज को देख करके कि महावीर जी ने वस्त्र नहीं पहने थे या महावीर जी के शरीर में वस्त्र नहीं थे, हम भी नहीं पहनेंगे तो धार्मिक कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह से किसी भी मत का उदाहरण ले लीजिए आप, हर मत मतांतर संप्रदाय में इसी तरह से बाहरी वेशभूषा को, आडंबर को धर्म समझा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन समय में जो ऋषि होते थे वो जंगल में होते थे। अब जिनका संपूर्ण ध्यान ही उपासना में है, भक्ति में है, ध्यान साधना में है, तो वो दाढ़ी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बाल लंबे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, उनके शरीर में बाल लंबे होंगे, उनके चेहरे पर दाढ़ियाँ बड़ी होंगी। इसका मतलब क्या होता था कि जिनके दाढ़ी लंबे हो, जिनके बाल लंबे हो, तो देख करके समझ में आ जाता था कि इनका ध्यान शरीर की तरफ नहीं है। अब आज लोग पालते हैं, और पाल करके दाढ़ी रख करके, मतलब काटना छोड़ देते हैं, जबकि आज तो सारी सुविधा है ना। आज अगर शेविंग करनी हो तो लोगों को कितना समय लगता होगा, 2 मिनट 5 मिनट मशीन से, ट्रिमर से 5 मिनट में ट्रिमिंग हो जाती है। लेकिन ये कहना कि नहीं दाढ़ी रखना धर्म का लक्षण, ये कहाँ पर लिखा है? तो कुछ चीज़ें जो पहले अपने समय में थी उसको धर्म समझना आज के युग के हिसाब से वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म की परिभाषा युग के हिसाब से नहीं बदलती है, धर्म हमेशा एक समान ही रहता है। तो देवचंद्र जी ने देखा इस तरह की वेशभूषा, इस तरह के आडंबर को, और खोजते ही फिरते रहे, अत्यंत मेहनत किया, परिश्रम किया, और जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कच्छ से वो आगे बढ़े और एक स्थान में पहुँचे, उस स्थान का नाम है भोजनगर। भोजनगर एक नगर का मतलब शहर, उस समय के हिसाब से शहर मतलब आज के कस्बे की तरह होगा छोटा मोटा। तो भोजनगर नाम के शहर में पहुँचे, वहाँ जा कर के देखा कि एक भक्त वहाँ पर रहते थे, उनका नाम था हरिदास जी। वो राधा वल्लभ मार्ग के अनुयायी थे। राधा वल्लभ मतलब कुछ लोग वल्लभाचार्य मत भी कहते हैं, कुछ लोग उनको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो राधा वल्लभ मार्ग के अनुयायी थे, और वो कैसे सेवा करते थे, सेवत कारज आत्म।
आत्मा के कार्य के लिए। अधिकांश लोग सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं, अथवा अधिकांश लोग भक्ति करते हैं। आज 99% लोग धार्मिक नहीं है, धर्म भीरु हैं। धर्म भीरु का मतलब धर्म से डरने वाले, अथवा डर के धर्म करने वाले कि हमें पाप न लग जाए। हम मंदिर नहीं जाएंगे तो पाप लगेगा, और मंदिर जाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हमारा अच्छा हो जाएगा। और वो हमारा अच्छा का मतलब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कमाई हो जाएगी। इस तरह से आत्मा के लिए धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत विरले होते हैं, और उन्हीं विरलों में से एक थे हरिदास जी, जो कि आत्मा के लिए सेवा करते थे। और किसकी सेवा करते थे? बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की। और सेवा कैसे करते थे? विशेष रूप से बांके बिहारी जी की सेवा वह सखी भाव से करते थे। सखी भाव का मतलब कि मन में ये भाव लेना कि जिस तरह से बांके बिहारी जी का मतलब होता है रास की लीला करने वाले श्री कृष्ण जी का किशोर स्वरूप, तो सखी भाव का मतलब ये है कि हम उस रास में लीला करने वाली गोपी हैं और श्री कृष्ण जी हमारे आराध्य हैं, ऐसा भाव लेकर के हरिदास जी सेवा करते थे। अब उनकी सोहबत में, उनकी संगति में, उनके सानिध्य में श्री देवचंद्र जी कुछ दिन तक रहे। अब जब वहाँ रह करके देखा, क्योंकि रहनी देख करके ही तो पता चलता है ना कि कौन कितना सच्चा है, कौन पानी में है, तो देवचंद्र जी को लगा कि ये सच्चे हैं, ये नियम पूर्वक सेवा करते हैं और सच्चे दिल से सेवा करते हैं। और कैसे सेवा करते थे हरिदास जी? कि जब गर्मी की ऋतु आती थी, अभी गर्मी का समय है, हम तो पंखा चला के बैठे हैं, घरों में हम कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। तो वो क्या करते थे मंदिर में कि जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा जो झोपड़ी होती थी ना, तो वो घास फूस की बनी होती थी, सरकंडों की छोटी सी वो टाट बांध लेते थे, दीवार की तरह बना देते थे और उसमें पानी छिड़कते थे। और जैसे कूलर का सिस्टम होता है ना, कूलर में पीछे जो घास फूस की जाली जैसी होती है, जालीनुमा, उस पर जैसे मोटर से पानी पड़ता है तो उससे गुजरने वाली हवा ठंडी होती है, इसी तरह से वो व्यवस्था करते थे। अब आजकल तो ऑटोमेटिक है, वो मैनुअली करते थे, अपने हाथ से करते थे। इसी तरह से जब कुछ दिन तक रह करके देखा, ऋतु परिवर्तन हुआ, सर्दी के समय में देखते हैं, सर्दी में क्या करते हैं कि आज तो हीटर रहे, एयर कंडीशन है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो वो आग जला करके, लकड़ियां जला करके उन कोयलों को अंगीठी के रूप में ले जा करके कृष्ण जी की सेवा के सामने, अर्थात तो उनकी मूर्ति के सामने रखते थे, ताकि वो जो कमरा है, वो जो मंदिर है, वो गर्म रहे। तो ये ऋतुओं के हिसाब से सेवा करते थे। हम क्या करते हैं? सीखने वाली बात, हम अपने हिसाब से सेवा को ढाल लेते हैं, करना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं? जैसे अगर नियम पूर्वक सेवा करनी हो, क्योंकि अगर मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं राज्य की, चितवनी कर रहे हैं, तब तो बात अलग है, लेकिन कर्मकांड ही अगर करना है तो वो तो नियम पूर्वक करना चाहिए ना। जो कुछ भी करें तो वो नियम पूर्वक करें। अब मान लीजिए कि कोई सुंदर साथ जो 4 बजे उठता होगा सेवा पूजा के लिए, वो 4 बजे सेवा पूजा में लग जाता है। कोई उठेगा 6 बजे तो वो 6 बजे सेवा पूजा करेगा। कोई 8 बजे उठेगा तो 8 बजे सेवा पूजा करेगा। ये पहला, हम किस तरह से सेवा को अपने हिसाब से डाल लेते हैं। दूसरा, जैसे आज हमारे पास यदि समय हो तो हम पूरा 1 घंटा लेकर के, शुरू से लेकर के, मतलब वंदो सदगुरु से लेकर के पूरी गौरी वगैरह गा करके भोग लगाते हैं, सेवा पूजा करते हैं, पौड़ावनी करते हैं। और किसी दिन लगता है कि हम व्यस्त हैं तो हम बस अगरबत्ती जला करके, आरती करके भोग रख देते हैं और भोग बोलते भी नहीं और चले जाते हैं, ठीक है कि राजी खा लो, भूख लग रही हो तो, ठीक है। ये भाव की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ध्यान चितवनी छोड़कर के सेवा पूजा ही कीजिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ध्यान भी मत कीजिए, सेवा पूजा भी मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप
के घर में कोई बालक है छोटा, उसको सेवा पूजा सिखाइए, नियम पूर्वक सिखाइए। आपको ध्यान की पद्धति पता है तो आप ध्यान कीजिए, लेकिन नियम पूर्वक कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए। ऐसा नहीं कि बस टरका रहे हैं, काम टाल रहे हैं, उस हिसाब से मत कीजिए। तो हरिदास जी भी क्या करते थे कि सेवा ऋतु के हिसाब से वो स्वयं को ढालते थे, अपने हिसाब से सेवा नहीं करते थे। अब क्या, और आगे उन्होंने देखा कि दिन में वो दो चार बार तो स्नान कर रहे हैं, और वो भी ऋतुओं के हिसाब से। तो जब ये सारी सेवा भावना देखी तो देवचंद्र जी को क्या लगा, श्री लालदास जी कहते हैं उस प्रसंग में कि इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। यहाँ पर आकर के ठिकाने में, मतलब इस स्थान पे आकर के, अर्थात हरिदास जी के पास आकर के श्री देवचंद्र जी की आत्मा को शांति मिले। क्यों? क्योंकि ये सांचवटी देख के, हरिदास जी के अंदर की सेवा की सच्ची भावना को देख करके श्री देवचंद्र जी करने लगे विचार। क्या विचार करने लग गए कि इनकी मैं सेवा करूं। हरिदास जी कृष्ण जी की सेवा करते हैं और मैं इनकी सेवा करूं। जैसे ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है ना, और अब घर में आपने एमसीबी लगाया हुआ है, स्विच बोर्ड लगाया हुआ है एमसीबी, उसके बाद में फिर कमरे में स्विच हैं, तो आपको करंट लगाने के लिए ट्रांसफार्मर में ही हाथ देने की तो ज़रूरत नहीं है, आपके घर में भी आ रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, भले ही अभी श्री देवचंद्र जी को सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन भाव उनका वही है, क्योंकि उन्हें तो अभी पहचान नहीं है ना। तो वो सोच रहे हैं कि ये परमात्मा की भक्ति करते हैं, मैं इनकी सेवा करूँगा तो ये मुझे सच्ची राह दिखा देंगे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहूं इनसो, तब लगे सेवा करने, रहें इनकी सोहबतमो। अब देवचंद्र जी सेवा करने लग गए हरिदास जी की, उनके सानिध्य में रह करके। क्या करते हैं प्रतिदिन, हरिदास जी श्री कृष्ण जी की चर्चा भी सुनाया करते थे, तो प्रतिदिन चर्चा सुनते हैं और सेवा करते हैं। वस्त्र धोना, बर्तन धोना, घर में चूल्हा चौका देना, ये सारी सेवा करते हैं। अब इतने में क्या हो गया, कुछ दिन बीतते गए तो बातचीत के क्रम में हरिदास जी को पता चला कि देवचंद्र जी तो उनके ही शिष्य मतु मेहता जी के पुत्र हैं। अब जब देवचंद्र जी घर से भागे थे, अब क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है ना, पहले गए वो कच्छ में मंदिर में गए, फिर वहाँ से कनफटे साधुओं में गए, राजगुरुओं में, फिर कापालिकों में गए, फिर मस्जिद में गए, फिर अनेक ब्राह्मणों के पास गए, तो लगभग साल भर से भी ऊपर का समय हो चुका होगा। तो इतने में अब हर जगह पर जहाँ तक संभव हो सकता था, मतु मेहता जी ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी थी। अब बात तो पहुँची होगी, तो बातचीत के सिलसिले में हरिदास जी को पता चला कि ये तो मेरे शिष्य के ही पुत्र हैं। तो हरिदास जी ने अब खबर पहुंचा दी मतु मेहता जी को। तो कह रहे हैं, जब ए मतु मेहते सुनी धाय के आए तित। धाय के आने का मतलब ये अलंकार है कि भागे भागे आए, दौड़ करके तो नहीं आए होंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, ये कि तीव्रतापूर्वक शीघ्रतापूर्वक आए और आ करके अब देवचंद्र जी को सिखा रहे हैं, सिखापन दे रहे, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, माया में लगने के लिए। जैसा कि परसों की चर्चा में भी हमने सुना था कि जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ने लगता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि ये हमारे हाथ से निकल गया, तो अपने हाथ में वापस लेने के लिए समझा रहे हैं। लेकिन देवचंद्र जी तो नहीं माने, कहते हैं एक क्यों ये माने नहीं, बेजार हुए तब। बेजार मतलब दुखी, तो माता पिता दुखी हो गए, समझा समझा करके परेशान हो गए। अब देवचंद्र जी कह रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी माया के क्यों ए नज़दीक न जाए, किसी भी तरह से वो माया के नज़दीक फटकना ही नहीं चाहते कि इस रास्ते पर मुझे जाना ही नहीं है, चलना ही नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि हरिदास जी की सेवा करने लग गए, और कैसे कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्म, मन वचन और कर्म से सेवा कर रहे हैं। मन वचन और कर्म से सेवा का क्या तात्पर्य है, निजानंद दर्शन में सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। तीन चीज़ें ऐसी है जिनका कोई विकल्प ही नहीं बताया है,
एक वाणी चर्चा, वाणी मंथन जैसे सुन करके या फिर पढ़ करके, दूसरा सेवा और तीसरी चितवनी। वाणी मंथन, सेवा और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई ये कहे कि मैं तो सिर्फ चितवनी करूंगा या मैं सिर्फ चितवनी करूंगी, तब भी पूर्ण जागृति नहीं हो सकती। सेवा के रास्ते में कभी ना कभी आना ही पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी देर से हो। अच्छा, वाणी को हमने ढंग से पढ़ा नहीं, सिर्फ आंख बंद करके बैठने की प्रक्रिया को चितवनी समझ करके ये कहें कि नहीं हमें तो वाणी भी नहीं पढ़ना, तब भी जागरण नहीं हो सकती। अच्छा, कोई ये समझे कि मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है, ना मुझे वाणी पढ़ने से कोई लेना देना है, ना मुझे ज़्यादा चर्चा सुने, जितना सुनना था हो चुका है, अब मुझे सिर्फ सेवा करनी है और मुझे चितवनी भी नहीं करनी, वाणी भी नहीं पढ़ना है, तब भी जागृति नहीं हो सकती। और कोई ये कहे कि हक बैठे इन इलम में, इतने चरण को लेकर के ये सोचे कि मुझे तो सिर्फ वाणी पढ़ना है, मैं वाणी पढ़ करके ही राज्य को रिझा लूँगा या राज्य को रिझा लूँगी, तो वो भी संभव नहीं है। तीनों साथ में करना पड़ेगा, तीनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ, कभी ये हो सकता है कि किसी दिन हमने सेवा ज़्यादा कर ली आवश्यकता के अनुसार, चितवनी थोड़ी कम समय के लिए कर पाए और चर्चा थोड़ी कम सुनी। किसी दिन हो सकता है कि चर्चा सुनने का मौका हमें ज़्यादा मिला, उस दिन चितवनी और सेवा थोड़ी कम हुई, और किसी दिन ऐसा हो सकता है कि चितवनी में हम ज़्यादा समय तक बैठ पाए, उस दिन हम शारीरिक सेवा हम कम कर पाए या वाणी चर्चा इतनी नहीं सुन पाए। लेकिन आज नहीं तो कल हमें तीनों को साथ में लेकर के बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने सिर्फ एक को पकड़ करके अपनी आत्म जागृति कर ली हो, अपना पूरा जीवन गुजारा हो। स्वयं साक्षात अक्षरातीत जिस तन में विराजमान है, इंद्रावती जी ने क्या नहीं किया? सेवा भी की उन्होंने, की है, चर्चा भी सुनी, चर्चा की भी, और उसके बाद चितवनी भी की, तीनों चीज़ें की है ना। तो अब तीनों का कोई विकल्प नहीं है, उनमें से एक है सेवा। ठीक है, चितवनी और वाणी के विषय में हम आगे आने वाले प्रसंग में बात करेंगे, अभी प्रसंग चल रही है सेवा का। तो सेवा कैसे की जाती है? कह रहे हैं मनसा वाचा कर्म, मन वचन और कर्म से सेवा होती है। मन से सेवा कैसे होती है? इसको हम बहुत गलत तरीके से समझते हैं, मन की सेवा को, कि मन में हमारे भाव है यही हमारी सेवा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको हम मन से दुआ दे रहे हैं, ये हमारी सेवा, ऐसा नहीं है। मन की सेवा का तात्पर्य क्या है कि वेद में एक मंत्र आता है जिसमें उल्लेख है कि मन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हैं और मन आपका कहीं और हो तो चर्चा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। अच्छा, मैं यहाँ पर बैठ तो गया लेकिन ज़बरदस्ती कोई पकड़ करके मुझे लेकर के आए और कहे कि चर्चा करनी, अगर मन नहीं हो तो नहीं हो सकता है। चितवनी भी मन के बिना, तो यहाँ मन से सेवा करने का मतलब है कि हृदय में भाव हो, सेवा करने की इच्छा हो, वो हो गया मन की सेवा। अच्छा, वचन से सेवा करने का क्या तात्पर्य है? कि जब भी आवश्यकता पड़े वहाँ पर मैं तैयार हूँ, ये भाव व्यक्त करना, क्योंकि कभी कभी एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। आपके मन में तो भाव है और सामने से पूछे ही नहीं कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो सेवा कैसे कर पाएंगे? आप खड़े हैं कहीं पर, मान लीजिए कि चार लोग किसी सामान को उठा रहे हैं, आप खड़े हैं मन ही मन देख रहे हैं कि मैं भी सेवा तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन आप कह नहीं रहे कि मुझे भी सेवा करनी है, तो कोई आपको ज़बरदस्ती तो बुलाएगा नहीं सेवा के लिए, और ज़बरदस्ती अगर बुला रहा है और आप कर रहे हैं तो वो सेवा भी नहीं है फिर। तो वचन से सेवा का तात्पर्य है कि आप सामने से व्यक्त करें सेवा करने की इच्छा को, और वो इच्छा को जब आप क्रियान्वित करते हैं तो वो हो गया कर्म की सेवा। मन वचन और कर्म से सेवा करते हैं श्रीदेव चंद्र जी, और सेवा के क्रम में मन में कोई संशय नहीं ला रहे हैं। कछु शक न लिया वहीं रहे आत्म के धर्म, बिना शंका के सेवा कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि इस सेवा से मेरा कुछ फलीभूत होगा कि नहीं होगा, इस सेवा का मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ की इच्छा से अगर कुछ कर रहे हैं तो वो सेवा हुई ही नहीं।
जब एक बिना तारतम ज्ञान के श्री कृष्ण जी अर्जुन को सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो सेवा के संदर्भ में वाणी में हमें कितनी गहरी शिक्षा दी है, कितनी ऊंची शिक्षा दी है। तो बिना किसी इच्छा के वो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। हाँ, इच्छा तो है उनमें, लेकिन वो इच्छा कोई लौकिक इच्छा नहीं है। तो बिना शंका के सेवा कर रहे हैं। अब हरिदास जी ने देखा कि ये सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। काम करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चे दिल से सेवा करने वाले, काम और सेवा में क्या फर्क है? एक रसोई में भोजन बनाना क्या है? काम, ठीक है। अब हृदय में भाव है आपका कि मेरा सुंदर साथ इस भोजन को ग्रहण करेगा, जिस सुंदर साथ के हृदय में राज्य विराजमान है, तो उनके लिए मुझे बड़े प्रेम से भोजन बनाना है। और आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी इस सेवा को कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस आप राज्य को रिझाने के लिए वो भोजन बना रहे हैं, काम वही है, लेकिन वो है सेवा। अब एक व्यक्ति आप कैंटीन से बुला करके लेकर के आते हैं, कैटरिंग से बुला के लेके आते हैं भंडारे में कि देखो 2000 लोगों के लिए खाना बनाना है, वो बना देगा। अच्छा, अचानक से अगर 100 लोग और आ गए और कह दिया कि 100 लोग आ गए, खाना कम पड़ेगा, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा और मन ही मन गाली भी देगा कि पहले नहीं बता सकते थे, उतनी ही मेहनत में काम हो जाता, तो फर्क क्या है? सेवा और कार्य काम में फर्क क्या है? प्रोसेस वही है, सिर्फ भाव का फर्क है। तो काम करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, सेवा करने वाले लोग मिलते हैं बहुत कम। अब हरिदास जी ने देखा कि ये सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा इनको, कि मैं इनको नाम सुमिरण दूंगा। नाम सुमिरण देने का मतलब ये, इनको मैं दीक्षा दूंगा, ये विचार कर रहे हैं हरिदास जी। और उधर मत्तु मेहता जी क्या विचार कर रहे हैं कि बच्चा हाथ से निकलता जा रहा है, उम्र होती जा रही है, क्योंकि पहले के समय में बाल विवाह प्रचलित था, आपको पता हो तो, है ना। ये तो देश की आज़ादी के बाद में संविधान बनाया गया, अभी शायद थोड़ा बहुत बदलाव किया गया होगा, वरना कुछ समय पहले तक जितना मुझे पता है कि लड़का 21 साल का और लड़की कम से कम शायद 18 साल की हो, तब तक शादी नहीं हो सकती। लेकिन पहले बाल विवाह का प्रचलन था, 12-13 वर्ष की उम्र में तो शादी करा दी जाती थी। अब देवचंद्र जी तो 16 साल की उम्र में घर से निकले हैं, अब 1-2 साल तो हो ही चुका है, 18 साल के हो चुके हैं। अब जो माता पिता हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्यों बुजुर्ग? इसलिए क्योंकि अधेड़ अवस्था में उनको पुत्र प्राप्ति हुई है, तो ये सोच रहे हैं कि लड़का हाथ से निकल रहा है, इसको माया में डालना है किसी तरह से। अब माया सबसे बड़ी क्या है? वैसे तो बहुत सारी माया है, सबको अलग अलग माया बड़ी लग सकती है, लेकिन सामान्य रूप में देखा जाए तो गृहस्थ एक बहुत बड़ी माया है। सामान्य रूप में गृहस्थ में भी जागृत ब्रह्म सृष्टि हुए हैं, सुंदर साथ हुए हैं, लेकिन वो अपवाद रूप में, उस विषय में हम बाद में आएंगे क्योंकि वो प्रसंग आगे आने वाला है। लेकिन गृहस्थ को सबसे बड़ी माया इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो एक ऐसा बंधन है, उसमें बंध जाने के बाद यदि व्यक्ति का विवेक थोड़ा सा भी डामाडोल हुआ तो वो फंसता ही चला जाएगा। और वो एक बार फंसा तो फिर क्या होता है कि भावनात्मक रूप से वो इतना अधिक दब जाता है, क्योंकि अब बेचारा सोचता है कि अब तुरंत छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पत्नी आ गई है, पत्नी की जिम्मेदारी है, इस बेचारी का क्या कसूर सोचने लगता है। फिर 2-4 साल के बाद में फिर 2 से 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा बच्चे हो गए, अब तो बच्चों को फिर पढ़ाना लिखाना भी जिम्मेदारी हो गई है। फिर इतने में जो पहले थोड़े बहुत वैराग्य की भावना थी वो पूरी तरह से दब जाती है। अब उसका पूरा का पूरा ध्यान किस में रहता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, इनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, अब वैराग्य हो गया समाप्त। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी माया है। हाँ,
यदि किसी में वैराग्य है, लड़का और लड़की दोनों शिक्षित हैं, धार्मिक संस्कार हैं, तो वो क्या करते हैं कि तालमेल बना लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं, वो धार्मिक जीवन भी जीते हैं और सांसारिक विषयों का भी वो भोग कर लेते हैं। और यदि कोई ऐसा है, और ऐसा तो गिने चुने हैं, हजारों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा ऐसा होगा जो ऐसा जीवन व्यतीत करता होगा या कर पाता होगा, क्योंकि कहीं पर होता है कि लड़की आध्यात्मिक होती है तो लड़के वाले या ससुराल वाले उनको अध्यात्म में नहीं जाने देते, कहीं कहीं पर लड़का अगर थोड़ा सा धार्मिक हो रहा है तो पत्नी को लगता है कि ये बैरागी बन गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, तो इस वजह से वो नहीं बनने देती। कुछ ही ऐसी जोड़ियाँ होती है समाज में देखने को मिलती है। तो अब यही देख करके मतु मेहता जी ने अपने बेटे को भी माया में डालने का विचार किया और सोचा कि तो ए आवे हाथ मेरे छूटे वैराग इनसे। मतु मेहता जी सोच रहे हैं कि ये तब मेरे हाथ आएंगे जब मैं इनका विवाह करा दूंगा और इनका वैराग्य तब छूटेगा, इसलिए मतु मेहता जी ने एक जगह पर सगाई कर दी। सगाई करने का मतलब विवाह होना निश्चित कर दिया। अब सगाई के भी अलग अलग तरीके हैं। भारतवर्ष में ही उत्तर प्रदेश की तरफ क्या होता है कि, और आजकल तो पाश्चात्य सभ्यता का हम अनुकरण कर रहे हैं, तो रिंग सेरेमनी कर रहे हैं, ये सेरेमनी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्री वेडिंग फोटोशूट कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके हमने अपनाना शुरू कर दिया। अब पहले क्या होता था कि दो परिवार में आपस में बातचीत हो गई, दिन निश्चित हो गया, उसके बाद में शादी हुआ करती थी। तो जो दिन निश्चित किया जाता था विवाह का, उसको कहा जाता था सगाई। कुछ लोग आजकल रोका के नाम से जानते हैं, इधर शायद हरियाणा में भी यूपी हरियाणा में चलन में होगा। गुजरात की तरफ आप देखें तो 6-6, 8-8 महीने पहले रोका होता है, उसके बाद में फिर सगाई होती है। और पाश्चात्य सभ्यता में जो इंगेजमेंट की प्रक्रिया है और यहाँ की सगाई की प्रक्रिया, दोनों अलग अलग थी, लेकिन आज सब एक ही मान बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि देवचंद्र जी का विवाह होना निश्चित कर दिया। विवाह को धरायो दिन, विवाह के लिए एक दिन निश्चित किया और कह रहे वही दिन था उत्तम, लेने का नाम सुमिरन। अब उधर जिस पंडित ने विवाह के लिए जो दिन निश्चित किया था, उधर हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी के लिए नाम देने का, दीक्षा देने का दिन भी वही निश्चित किया था। ये संयोग था। तो अब हुआ क्या कि दोनों तिथियां आपस में टकराई। अब आपस में सामान्य रूप से टकराती तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन ये तो भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि राधा वल्लभ मार्ग में नाम सुमिरन देने के लिए अथवा दीक्षा देने के लिए भद्र वेश धारण करना पड़ता है, और भद्र वेश का मतलब है मुंडन करना। मुंडन करके एक साधु के जैसा वेश धारण करना पड़ता है, तब जा करके उनको दीक्षा दी जाती है। और जब शादी होती है तो शादी में कोई व्यक्ति मुंडन करा के पहुंचता है भला? उस दिन तो उनके सिर पर सेहरा बंधा होता है ना। अब दोनों चीज़ें आपस में टकराई तो हुआ क्या कि देवचंद्र जी को तो पता ही नहीं कि घर में शादी की बात चल रही है। वो भद्र वेश धारण करके पहुँचे। जब पहुँचे तो हरिदास जी ने पूछा मंत्र देने से पहले कि इससे पहले तुमने किसी का मंत्र लिया? तो देवचंद्र जी ने कहा कि हाँ जी, मैंने संन्यास का मंत्र लिया, दत्तात्रेय जी का नाम सुमिरन लिया। तो हरिदास जी कहते हैं कि जो परंपरा थी, परंपरा के आधार पर उन्होंने कहा, क्योंकि हरिदास जी को इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, भक्त हैं, सेवा भावना है, लेकिन ज्ञान नहीं है उनमें। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो तुमने नाम सुमिरन लिया उसको लिखो चिट्ठी में, और फिर आटा गूंथो, उसमें उसकी रोटी बनाओ, और रोटी में लपेट करके उस चिट्ठी को सन्यासी को दे दो। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मंत्र है वो वापस सन्यासी के पास चला जाएगा। जबकि ऐसा होता है, ज्ञान के बारे में क्या कहा जाता है, विद्या के बारे में, कि व्यय कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। ये तो व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ता है। अगर लिख के दिया उनको तो और ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो गया ना। हम किसी चीज़ को याद करते हैं, सामान्य रूप में याद नहीं होता, तो लिख के याद करते हैं। अब ये भूलना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, लेकिन एक परंपरा थी।
जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, अनावश्यक परंपरा को वो वहन कर रहे थे। तो हरिदास जी ने जब ऐसा कहा, श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव इससे कुछ नहीं होगा, यदि आपका दिया हुआ मंत्र या आप जो मंत्र देने वाले हैं वो अधिक जोरावर है, वो अधिक शक्तिशाली है, तो पहले वाले मंत्र, पहला वाला मंत्र अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप ही दूर हो जाएगा। और अगर पहले वाले मंत्र की शक्ति ज़्यादा होगी तो मैं कुछ भी करूँ वो मंत्र मेरे से हटेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें ऊपरी है और ये सामान्य लोगों के लिए है। जब हरिदास जी ने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुए कि मेरा जो शिष्य है उसमें समझ भी है, सिर्फ सेवा भाव नहीं समझदारी भी है, विवेक भी है। तो उन्होंने नाम सुमिरन दिया। क्या नाम दिया? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये मंत्र दिया। और क्या कहा कि इस मंत्र को तुम दिल में रखना और इसका सुमिरन, सुमिरन मतलब स्मरण करना, इसको याद करना। कैसे? इसको दोहराना कैसे? सुमरो कर विश्वास, विश्वास के साथ में दोहराना। अब एक और उपदेश दिया कि सखी भाव होए भजियो, सखी भाव से, कि हम रास में लीला करने वाली गोपी हैं और कृष्ण जी हमारे प्रियतम ही अथवा सखा हैं, इस भाव से भक्ति करनी है। इतना कह करके उन्होंने देवचंद्र जी को विदा दे दिया। अब देवचंद्र जी पहुँचे अपने घर में, घर में जा कर के देखते हैं तो पता चला कि घर में तो माहौल कुछ और है। मत्तु मेहता जी देख रहे हैं देवचंद्र जी को, देवचंद्र जी का माहौल कुछ और है कि वो तो भद्र वेश धारण करके आए हैं मुंडन करके। अब इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से में रोध होने लग गए, रोना पीटना शुरू हो गया, खींच करके डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो देवचंद्र जी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, आप भला चाहते क्या हो? तो कहते हैं हम तो तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। देवचंद्र जी ने कहा कि मेरी जिससे शादी होनी थी, शादी का मतलब संबंध, मेरा संबंध जिससे जुड़ना था उसके साथ मैं जोड़ करके आया हूँ, और मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, मेरी मर्जी से तो ये शादी नहीं हो रही और मुझे तो कोई पता भी नहीं है, तो इसलिए मेरा इसमें बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन अब घर में जब इतना सब कुछ हो चुका था, देवचंद्र जी को मजबूरन शादी करनी पड़ी। क्या कह रहे हैं? ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए, श्री देवचंद्र जी हरदास जी की सेवा करत है सोई। अब शादी हो गई, घर वालों से खटपट है अभी क्योंकि जबरन शादी कराई ना। अब शादी के बाद भी देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करना नहीं छोड़ रहे। अब यहाँ इस प्रसंग को सुन करके बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि क्या गृहस्थ आश्रम इतना खराब है, क्या हमें शादी से इतना दूर भागना चाहिए, क्या सबको साधु बनना चाहिए, सबको सन्यासी बनना चाहिए? ऐसा नहीं है। चूँकि सबका अपने मन पर संयम, मन पे नियंत्रण नहीं होता कि सब वैरागी बन सके, लेकिन हाँ, विवाह का अर्थ क्या होता है? शादी को हम विवाह कहते हैं ना, शादी तो हम उर्दू अरबी फारसी का शब्द होगा, संस्कृत का तो है भी नहीं। तो संस्कृत में शादी को कहते हैं विवाह। वि मतलब विशेष रूप से, और वह मतलब वहन करना, वहन करने का मतलब जिम्मेवारी को निभाना, तो विशेष प्रकार की जिम्मेदारी को कहते हैं विवाह। और यहाँ विशेष प्रकार की जिम्मेदारी का क्या मतलब है? लोगों ने अब उसको गलत तरीके से अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ वास्तव में क्या था कि जब विवाह होता है तो हर व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको उसकी जिम्मेदारी दुगुनी हो जाती है। दुगुनी कैसे? कि एक तो संसार की जिम्मेदारी भी है और साथ में अध्यात्म को भी लेकर के चलना है, दो प्रकार की जिम्मेदारी हो गई। अब संसारिक जिम्मेदारी भी दो प्रकार की हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले तो अब वो एक घर का इज्जत होता है, पुरुष या स्त्री भी एक घर की इज्जत होती है, लेकिन विवाह के बाद अब दोनों दो दो घर की इज्जत को संभाल रहे होते हैं। कहने को भले ही बेटी को पराया धन कहा जाता है, लेकिन अगर कोई लड़का भी गलत करे तो ससुराल पक्ष में भी ससुराल पक्ष की बदनामी होगी कि नहीं, कि इनका जमाई तो ऐसा निकला,
हाँ इनका दामाद ऐसा निकला कहेंगे कि नहीं। तो दोनों प्रकार की जिम्मेदारी को संभालना, इसीलिए उसको कहा जाता है विवाह। तो धर्मपूर्वक गृहस्थ आश्रम को चलाना, इसको कहा गया है विवाह। और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, अपनी माया की सारी जिम्मेदारी के साथ में यदि एक घंटा भी भक्ति करता है तो एक सन्यासी के 4 घंटे की भक्ति के बराबर है। कैसे? क्योंकि एक गृहस्थी व्यक्ति उसकी कमाई पर ही वानप्रस्थ आश्रम भी टिका होता है, सन्यास आश्रम भी टिका होता है और ब्रह्मचारी आश्रम भी टिका होता है। कैसे? ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब है शिक्षा के केंद्र जितने भी, आजकल तो खैर शिक्षा के जो केंद्र हैं वो कॉमर्शियल हो गए हैं। आज इंडिया में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा बिजनेस किसका है तो वो एजुकेशन और हेल्थ का है, सबसे ज़्यादा बिजनेस शिक्षा और स्वास्थ्य का, जबकि ये दोनों चीज़ें निःशुल्क होने चाहिए थी। ठीक है, हाँ प्राचीन समय में ऐसा था कि विद्यार्थियों से कोई व्यय नहीं लिया जाता था, विद्यार्थी गांव में जाते थे, भिक्षा मांग करके आते थे और उस अनाज को ग्रहण करके अपनी पढ़ाई करते थे, उनको कमाने धमाने का कोई चिंता नहीं होती थी और न गुरुकुल को न वहाँ के आचार्यों को चिंता होती थी कि हमारा गुजारा कैसे होगा। तो वो जो भिक्षा मांगने जाते थे किसके यहाँ जाते थे? गृहस्थी के वहाँ। ठीक है, तो गृहस्थी की जिम्मेदारी हो गई ब्रह्मचर्य आश्रम। इसी तरह से जो वानप्रस्थी हैं उनका पालन पोषण कौन करता है? गृहस्थी। और जो सन्यासी हैं वो भिक्षा मांगने किसके पास जाते हैं? गृहस्थी के पास। तो गृहस्थी तीनों जो आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, उनका पालन कर रहा होता है, इसलिए उसको अपने किए का 3 गुना फल मिलता है, क्योंकि वो तीनों आश्रमों का पालन कर रहा है तो सब आश्रम चल रहे हैं। तो वो 1 घंटा भी ध्यान करेगा अगर, तो वो एक सन्यासी के 4 घंटे के ध्यान के बराबर है, क्योंकि सन्यासी का तो जीवन ही ध्यान के लिए है। इसलिए ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम खराब है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अगर आप केवल माया के बंधन में बंध जाते हैं कि मेरी जिम्मेदारी तो बस मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, यही मेरी जिम्मेदारी है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये माया है, तो ये बंधन है, और इससे उभरने के लिए फिर प्रयास आपको ही करना होगा। ठीक है, और जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की बात को सम्मान देते हैं, दूसरे के सामने विशेष रूप से, तो वो परिवार हमेशा चलता है। तो अध्यात्म का मतलब क्या है कि अध्यात्म व्यक्ति के हर प्रकार से व्यक्ति का विकास करता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा एक अच्छा गृहस्थी भी वही बन सकता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो अच्छा सन्यासी भी बन सकता है, और अगर आध्यात्मिक नहीं है तो न वो अच्छा गृहस्थी बनेगा, न वो अच्छा व्यापारी बिजनेसमैन बन सकता है, और न ही वो अच्छा सन्यासी बन सकता है, अच्छा साधु बन सकता है। इसीलिए जितने भी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं या भविष्य में जाने वाले हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि ये एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी है जिसमें हमें धर्मपूर्वक, अध्यात्मपूर्वक अपना जीवन यापन करना है, जहाँ तक हो सके समाज की सेवा करनी है, और प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करना है, उसकी भक्ति करनी है। अब चूँकि देवचंद्र जी तो भक्ति में उनका मन था, लेकिन लीलबाई जी का तो मन नहीं था ना, उनकी पत्नी का। ठीक है, तो इसलिए, और न वो इस तरह से समर्थन कर पा रही थी, क्योंकि उनको तो अता पता ही नहीं कि ये देवचंद्र जी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति गया कबीर जी के पास, और कबीर जी को जाकर के पूछा कि कबीर जी ये बताइए कि अब मेरी उम्र हो गई है, सामान्य हिसाब से शादी की उम्र हो चुकी है, तो आप बताइए कि मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए कि मुझे सीधे संन्यास ले लेना चाहिए, या सीधा मतलब ये कि गृहस्थी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो कबीर जी ने कहा अच्छा थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठो, दोपहर का समय। कबीर जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और बुला करके कहा कि दिया जला दो। आई, दिया जला दिया, वापस अंदर चली गई।
फिर इधर उधर की बात करने लग गए। फिर कहते हैं कि अच्छा दिया अब बुझा दो, ले करके जाओ। आई चुपचाप और बुझा करके चली गई। उसके बाद अब वो तो पत्नी तो जा चुकी हैं, उन्होंने कबीर जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि देखो यदि इस तरह का तालमेल हो कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो किसी कारण से कह रहा हूँगा, तो उसने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किए बिना मैंने जो कहा उतना कर दिया। अगर इस तरह का तालमेल हो तो गृहस्थ आश्रम में जाओ, चल सकता है, और अगर इतना तालमेल नहीं हो तो नहीं चलेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो ये शिक्षा सबके लिए है, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ कि देवचंद्र जी का मन घर में तो लगता नहीं क्योंकि शादी जबरदस्ती हुई है और भक्ति में मन है। तो देवचंद्र जी जाते हैं प्रतिदिन हरिदास जी के घर में, और जाते कब हैं, घर में लगभग 3 घंटे के लिए रहते हैं एक प्रहर, आते हैं रात के 12 बजे और 3 घंटे तक, मतलब ब्रह्म मुहूर्त समझ लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले 3 बजे ही उठ करके हरिदास जी के वहाँ चले जाते हैं। और जा करके क्या करते हैं कि हरिदास जी के घर की परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा क्यों देते हैं, क्योंकि घर के साथ में मंदिर लगा हुआ था, तो जब मंदिर की परिक्रमा करनी है तो घर की भी परिक्रमा साथ में करनी पड़ती थी। तो जा करके परिक्रमा करते, एक दिन क्या हुआ कि हरिदास जी की आँख खुली लघु शंका के लिए रात को, तो जैसे आज के हिसाब से कहा जाए तो फर्स्ट फ्लोर है ना, बरामदे से झरोखे से उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति घूम रहा है, और रात के अंधेरे में पता नहीं चला, तो उन्होंने पूछा कि कौन है। तो देवचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव मैं हूँ। अब आवाज़ पहचान ली तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, घर में बुलाया और पूछा कि आप क्यों आए हो इतनी रात को। तो देवचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे पता ही नहीं चला कि अभी रात है। तो बात आई गई हो गई। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, देवचंद्र जी ने अपनी बात नहीं बताई कि मैं तो रोज़ परिक्रमा करता हूँ। क्यों नहीं बताई, क्योंकि सेवा यदि आप दिखा करके कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है फिर, क्योंकि उसमें आपकी प्रतिष्ठा की इच्छा है। अच्छा, वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है कि आप जैसा करते हैं वैसा है ना, एवरी एक्शन हैज ईच एंड इक्वल रिएक्शन, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, सेवा के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही है। आप जैसी भावना के साथ में करेंगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। अगर आप काम कर रहे हैं पैसे की भावना से तो बदले में आपको वेतन मिलेगा। आपको लगता है कि लोग मेरी सेवा को अप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें, तो वो भी मिलेगा, क्योंकि जो सेवा करता है उसकी प्रशंसा लोग करते हैं कि देखो कितनी सेवा करता है। अच्छा, जो सिर्फ राज्य को रिझाने के भाव से सेवा करेगा तो उसके साथ क्या होगा, अब परिश्रम वो उतना ही कर रहा है, उस परिश्रम का फल वो पहले ही ले रहा है इधर वेतन के रूप में या फिर प्रशंसा के रूप में, तो आगे जो फल चाहिए वहाँ तक पहुँचने से पहले उसकी क्रेडिट खत्म हो गई, उसका बैलेंस ही खत्म हो गया ना। तो इसीलिए सेवा जो है वो दिखा करके नहीं होती है। तो देवचंद्र जी क्या कर रहे हैं, ये चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सेवा करे न जना वहीं, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। किसी को वो दिखावा नहीं करते, अपने आप को समझाते हैं कि सेवा तो अपने लिए है, दिखाने के लिए नहीं है। तो अब क्या हुआ कि देवचंद्र जी उसके बाद भी प्रतिदिन परिक्रमा दे रहे थे। एक दिन फिर से हरिदास जी की नींद खुली संयोग से, और देखा कि देवचंद्र जी तो इसी तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्होंने मन में निर्णय लिया, मन ही मन वो समझ गए कि ये तो मेरे घर की परिक्रमा रोज़ करते हैं, अब इनसे तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा किसी तरह से, ठीक है। पीछा छुड़ाने का मतलब नकारात्मक भाव से नहीं, कि इनको कुछ ऐसा दे देते हैं कि जिससे वो अपना काम करते रहे और मेरी परिक्रमा ना करें कम से कम, ठीक। क्योंकि घर की परिक्रमा होती थी उनके इष्ट के साथ में, तो उनको भी अब शर्म आती थी, तो इसके लिए वो उपाय सोच रहे थे। अब इस बीच में क्या हो गया, एक दिन कि दिन का समय था, हरिदास जी की सेवा में श्री देवचंद्र जी थे, पास में बैठे हुए थे, हरिदास जी स्वयं श्री कृष्ण जी की सेवा कर रहे थे, तो किसी एक व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा।
अब बिच्छू के जहर की वजह से, क्योंकि बिच्छू के बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार की जहर होती है, तो उस जहर की वजह से वो व्यक्ति बेहोश हो चुका था। चार लोग पकड़ करके उठा करके लेकर के आए, अब घर के दरवाजे के सामने आकर के अब गुहार लगाने लग गए कि इसको बचा लीजिए। बाहर आकर के देखा हरिदास जी ने कि अच्छा ऐसा मामला है, तो उन्होंने क्या किया कि एक मंत्र बोला उन्होंने, और मंत्र बोल करके अपने मूछों पर हाथ फेरे तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा होश आया। फिर दोबारा भी ऐसा किया मंत्र बोल करके, तो वो जो व्यक्ति है वो बैठ गया। और तीसरी बार जब वही मंत्र दोहराया उसी प्रक्रिया के साथ में, तो जहर पूरी तरह से उतर गया और वो व्यक्ति और बाकी सभी लोग उनको प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए कि आपकी वजह से जीवन दान मिला। सोचे कि किसी को जीवन दान दिया जाए तो वो कितना कृतज्ञ रहता है, तो वो वहाँ से कृतज्ञता जताते हुए चले गए। अब जो लोग इस चीज़ का जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि मंत्र ऐसा कुछ हो सकता है, देखिए मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए उसको मंत्र कहा जाता है। अच्छा, हमारे मन में बहुत शक्ति होती है। मन में शक्ति कैसे, कि एक किताब है उसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सकारात्मक सोचते रहते हैं, सकारात्मक सोच का सकारात्मक परिणाम निकलता है। और जहाँ तक रही बात मंत्र इत्यादि की, तो कुछ विशेष शब्दों की जो संरचना है, दृढ़ आत्मविश्वास के साथ में कुछ निश्चित दिन तक निश्चित तरीके से उसको सिद्ध करने से, उसका जाप करने से कुछ मंत्र ऐसे हैं जो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके पीछे टर्म्स और कंडीशन जो लगते हैं ना हर उसमें सरकारी कागजात में लिखा रहता है, तो प्रत्येक सिद्धि के साथ में ये एक सावधानी लिखी जाती है अथवा बताया जाता है कि जितनी भी सिद्धियां हैं वे सब सिद्धियां परमात्मा प्राप्ति के राह में बाधक है। बाधक कैसे, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि मैंने किसी तरीके से लोगों की बीमारी को ठीक करना शुरू कर दिया तंत्र मंत्र से, तो लोग क्या करेंगे, आज एक आया होगा कल 100 आएंगे और परसों 1000 आएंगे, अब मैं भक्ति कब करूँगा। और पहला दूसरा, ये लोग मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे, और आप अगर किसी से अपनी पूजा करवा रहे हैं तो आप अपनी भक्ति का भी फल खो रहे हैं। ठीक है, इसलिए वाणी क्या कहती है, साधो कहर कही करामत। योग दर्शन के अंदर अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, सिद्धि को प्राप्त करने के तरीके का वर्णन है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है समस्त योगियों के लिए कि ये सभी सिद्धियाँ ध्यान के मार्ग में, समाधि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। अब हरिदास जी को ये सब मंत्र वंत्र पता था, सिद्धि कर रखी थी, तो उन्होंने क्या किया कि देवचंद्र जी को कहा कि देवचंद्र जी ये जो मंत्र है वो बहुत बड़ा है, बड़ा का मतलब बहुत ही महान है, आज अगर ये मंत्र नहीं होता तो इसके प्राण नहीं बचते, तो आप मेरे से ये मंत्र ले लीजिए। तो देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे पहले ही एक मंत्र दे रखा है, और वो मंत्र कैसा है कि सो ये मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख। कि जो आपने मुझे मंत्र दे रखा है भक्ति का, वो मंत्र तो जन्म और मरण से छुड़ाने वाला है, आप तो सिर्फ मरण से छुड़ाने की बात कर रहे हैं, वो मंत्र तो जन्म और मरण से छुड़ाने का है। और जन्म और मरण में तो कैसा दुख होता है, कहते हैं कि करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने में जो दुख होता है ना, वैसा दुख जन्म के समय में भी होता है और मृत्यु के समय में भी होता है। इसीलिए तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के अलावा जब भी किसी की मृत्यु आती है, कल परसों की चर्चा में भी मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना भी बहादुर हो वो मृत्यु से अवश्य डरता है,
क्योंकि मृत्यु के समय में परेशानी होती है, तकलीफ होती है। और ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको पता है कि यह सत्य है। कृष्ण जी कहते हैं ना गीता में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जो जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, जो और जो मरा है उसका पुनः जन्म लेना निश्चित है, तो जो निश्चित है उसके विषय में भला क्या चिंतन करना। और ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति तो उससे भी परे है, क्योंकि उसको तो पता है कि मैंने जिसको जान लिया है उसको जानने के पश्चात जन्म और मृत्यु के बंधन से, भवसागर के बंधन से, 84 के चक्कर से मुझे मुक्ति मिल रही है। तो अब वो मृत्यु को क्या समझता है? मुक्ति का मार्ग समझ रहा है। तो देवचंद्र जी कह रहे हैं कि वो तो जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने का मंत्र था, और जहाँ पर ऐसा शक्तिशाली मंत्र हो वहाँ ये सामान्य छोटे मोटे बिच्छू के जहर को उतारने का मंत्र भला कैसे समा सकता है। अब हरिदास जी कहते हैं कि देवचंद्र जी, ये समझ हम में नहीं है। होता क्या है, जो सच्चा गुरु होता है वो अपनी कमी को शिष्य के सामने स्वीकार कर सकता है। आजकल क्या होता है, मैंने खुद भी स्कूल में पढ़ा तब भी मैंने अनुभव किया, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में जैसे मैं देखता हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि अगर एक विद्यार्थी कोई कठिन प्रश्न पूछ देता है ना, तो अगर टीचर को जवाब आता होगा तो ठीक है, जवाब नहीं आता होगा तो या तो बच्चे को डांट के चुप कराएगा, अगर थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ी समझदारी होगी तो कहेगा गुड क्वेश्चन, मैं बाद में इसको बताता हूँ, बाद में सीख करके आके बताएगा, और इससे भी अच्छे आचरण का होगा तो बताएगा कि मुझे नहीं पता है, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, अपनी कमी को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी महानता है, और ये एक विनम्र होने का परिचायक है। तो श्री देवचंद्र जी के सामने हरिदास जी ने कहा कि ये बुद्धि हम में नहीं थी। अब क्या हुआ कि इस तरह से अनेक प्रकार की घटना होते होते, अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि देवचंद्र जी को फिर से हरिदास जी ने अपने घर की परिक्रमा देते हुए देख लिया था, तो उनके मन में लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम शायद उस दिन गलती से आए होंगे, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम रोज़ रोज़ आते हो, तो इससे अच्छा ये है कि मैं तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे देता हूँ, तुम अपने घर में तैयारी करो, अपने घर में पधराओ और वहीं पर सेवा करो। देवचंद्र जी खुश हुए और कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा मुझे वैसा ही करना है। अब अगला जो प्रसंग है, अगला जो प्रकरण है, वह है श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान, कि देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान हरिदास जी को कैसे कराई गई, उसकी भूमिका बना रहे हैं। कि क्या हुआ एक दिन, कि दिन निश्चित किया गया और दिन निश्चित करके कहा कि बालमुकुंद जी को आप अपने घर में पधराइए। अब जो दिन निश्चित था, देवचंद्र जी अपने घर में सारी तैयारी करके आए हैं, चूल्हा चौका लीपा पोती सब करके, क्योंकि आजकल की तरह तो नहीं होता था ना, पहले घर में सफाई कैसे की जाती थी, मिट्टी और गाय के गोबर को मिला करके फिर घर में चौका दिया जाता था, आज से 15-20 साल पहले भी था, आज भी गाँव में होता है। तो इस तरह से देवचंद्र जी तैयार कर चुके हैं। ठीक है, अब सुबह का समय है, घर में उठे हरिदास जी, जब सेवा के लिए गए तो वहाँ देखते हैं स्वरूप कहूँ ना पावहीं, बालमुकुंद जी की मूर्ति वहाँ पर मिली नहीं, तो क्या हो गया, भय हरिदास जी दलगिर, मतलब दुखी हुए। सिंहासन पर देखा उन्होंने, सैया पर देखा, घर के लोगों को पूछा कि कोई आया गया तो नहीं था, सब ने जवाब दिया कि यहाँ कौन आ सकता है, घर का दरवाज़ा तो हम बंद करके सोते हैं। तो अब हरिदास जी आश्चर्यचकित हुए, अब क्या करते, बेचारे परेशान हुए, बिहारी जी की उन्होंने सेवा की, बालमुकुंद जी को ढूंढते ढूंढते वो दुखी हो चुके हैं, बिहारी जी की सेवा की, भोग वगैरह लगाया। अब देवचंद्र जी पहुंच चुके हैं, देवचंद्र जी जैसे ही पहुंचे सुने तो देवचंद्र जी भी दुखी हो गए। अब हरिदास जी के मन में क्या था कि देवचंद्र जी ये ना सोचें कि मैं मूर्ति देना नहीं चाहता था, इसलिए खुद ही छिपा करके बहाना बना रहा हूँ, ऐसा वो सोच करके दुखी हो रहे हैं।
देवचंद्र जी ये सोच करके दुखी हो रहे हैं कि गुरुदेव तो दे ही चुके थे, शायद मुझ में ही कमी होगी, मुझ में ही पात्रता नहीं होगी, इसलिए शायद मूर्ति गायब हो गई है। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, शायद मेरी गलती है, क्योंकि तुम तो हमको दे चुके, वस्त्र आई थी हम पास, भावनात्मक रूप से तो वो मूर्ति हमारे पास आ चुकी थी, आप तो दे चुके थे। अब एह हमारी भूल है, जो टूटी हमारी आस, हमारी जो उम्मीद थी वो इसलिए टूटी क्योंकि हमारी भूल है, हमारी कमी है। लेकिन हरिदास जी इससे नहीं माने, उन्होंने भोजन नहीं लिया, ये कहा कि जब तक श्री कृष्ण जी नहीं मिल जाते, बाल मुकुंद जी, बाल रूप वाले, तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। अब क्या हुआ कि बिहारी जी को उन्होंने भोग लगाया, बाल भोग, राजभोग, और घर में जो बच्चे थे उनको वो प्रसाद वगैरह दे दिए। बाकी घर के जो लोग थे उन्होंने उपवास रखा। चौपाई क्या कह रही है कि घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद्र जी तीन समय। एकादशी करने लगने का मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एकादशी का दिन था उपवास रखा, ऐसा नहीं है। उपवास रखा इसलिए उस दिन को एकादशी कहा गया क्योंकि सामान्य रूप से वैष्णव जो है वो एकादशी के दिन उपवास रखते हैं। तो उस दिन अब किसी ने भी भोजन नहीं किया तो उसको एकादशी की संज्ञा दी गई। अब किसी ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया, मध्य रात बीत गई, देवचंद्र जी अपने घर गए, हरिदास जी अब केवल कृष्ण जी का ही चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते उनकी आंख लग गई, झपकी आई, तो क्या हो गया कि मध्य रात को बाल मुकुंद जी ने उस तंद्रा अवस्था में साक्षात दर्शन दिया। अब जैसे दर्शन दिया तो पूछते हैं हरिदास जी कि प्रभु जी आप कहाँ गए थे, तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो वहीं पर था। तो हरिदास जी ने कहा आप वहीं थे तो फिर दर्शन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे कि तुम मुझे वहाँ पधराने वाले थे देवचंद्र जी के घर पर, और तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है। क्या कह रहे हैं, सो तुमको इन स्वरूप की भय नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ब्रज वाले श्री कृष्ण जी श्री देवचंद्र जी के विषय में कह रहे हैं कि मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता और तुम्हें उनके स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए मेरी सेवा तुम उन्हें बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि वो कौन है, ये जो मेरे भी आराध्य हैं उनकी आलादिनी शक्ति है। बालमुकुंद के आराध्य कौन हो सकते हैं, बांके बिहारी जी, उनको परमात्मा की पहचान नहीं है, उनके हिसाब से तो वही परमात्मा है ना, बालमुकुंद जी के हिसाब से तो बांके बिहारी परमात्मा है। तो अब उनको पता है कि देवचंद्र जी के अंदर जो शक्ति थी वही शक्ति, क्योंकि रास में लीला करने वाली श्यामा जी हैं, ठीक है। तो बालमुकुंद जी ने कहा कि ये वही शक्ति है जिनकी कृपा से मैं अखंड हुआ हूँ, पूरी पहचान नहीं है लेकिन जितनी पहचान थी उन्होंने कराई। और अब कहा कि यदि देवचंद्र जी दुखी होते हैं तो तुम बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा उनको दे देना। तो अब फिर आगे पूछा कि आप कहाँ पर हो, तो बालमुकुंद जी कहते कि मैं तो वहीं पर बैठा हूँ। इतना कहते ही आंख खुल गई और चौंक करके उठ गए, आकर के देखा तो पता चला सिंहासन पर बालमुकुंद जी विराजमान हैं। अब इसमें कई सुंदर साथ को ये प्रश्न हो सकता है कि जब बालमुकुंद जी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते श्री देवचंद्र जी की, तो वो पहले भी तो गायब हो सकते थे, पहले भी तो सेवा करते थे देवचंद्र जी, तो इतने समय से सेवा करते आ रहे हैं ना। तो इसका समाधान ये है कि पहली बात, देवचंद्र जी प्रत्यक्ष रूप से बालमुकुंद जी और बांके बिहार जी की सेवा नहीं करते थे, सेवा करते थे हरिदास जी, ठीक है, पहला। दूसरा ये, वो परिक्रमा भले ही करते थे लेकिन अब परिक्रमा करने में क्या है कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, जैसे ज्ञानपीठ के विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्वामी जी के साथ कहीं पर गए किसी जगह पे प्रचार प्रसार के लिए,
सुंदर सा देखेगा तो क्या करेगा? जैसे स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करेंगे वैसे ही इनके चरणों में भी प्रणाम करेंगे कि ये साथ में है, ठीक है। तो अब झिझक तो होगी इनको, लेकिन अब प्रणाम करने पर शिष्टाचार ये कि जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो सोचेंगे कि हाँ स्वामी जी को प्रणाम करें इस वजह से। लेकिन जब वो अकेले कहीं पर जाएंगे और अगर इनके चरणों में कोई प्रणाम करेगा तो वो रोक देंगे कि नहीं मेरे चरणों में प्रणाम मत कीजिए ऐसा, ठीक है। तो एक सामान्य शिष्टाचार भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दूसरा कारण है। अब बालमुकुंद जी अंतर्ध्यान हुए, और इसके पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण, ये तो मैंने सिर्फ लॉजिक दिया, सबसे बड़ा कारण इसका ये है क्योंकि देवचंद्र जी तो खोज कर रहे हैं ना। अगर इस तरह से देवचंद्र जी को अपने स्वरूप की पहचान नहीं कराते तो वो हमेशा यहीं पर अटके रह जाते, फिर खोज उनकी पूरी नहीं होती, वो तो इसी तरह से सेवा में अपना पूरा जीवन बिता देते। तो इसीलिए हरिदास जी को तो देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान करानी ही है, लेकिन साथ में देवचंद्र जी को भी तो अध्यात्म की खोज में आगे बढ़ाना है। इसीलिए अब बालमुकुंद जी के निवेदन पर हरिदास जी ने ये निर्णय लिया कि मैं बांके बिहारी जी के वस्त्रों को उन्हें सौंप दूंगा। अब सुबह सुबह अगले दिन देवचंद्र जी अपने घर से चले, इधर हरिदास जी बहुत ही प्रसन्न हैं, वो भी अपने घर से चले। उन्होंने सोचा कि मैं आगे से चल करके उनको खुशखबरी दूंगा, और मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा था लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। मुझे दर्शन हुआ तो कारण क्या था कि मैं देवचंद्र जी के कारण मेरे आराध्य का दर्शन कर पाया, और जिनके कारण मेरे आराध्य अखंड हुए हैं उनसे मैंने कितनी सेवा कराई होगी। तो मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अनर्थ किया है, तो मुझे जा करके पहले उन्हें माफ़ी मांगनी है। अब माफ़ी मांगना कैसे मांगा जाता है? ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कि आपने गलती की हो और जिसके प्रति आपने गलती की हो, जिससे माफ़ी मांगना हो उसको आप अपने पास बुलाएंगे और कहेंगे कि आइए मुझे माफ़ी मांगना है आपसे, आप सामने से अप्रोच करेंगे ना। तो इसी तरह से हरिदास जी गए और देवचंद्र जी उधर से आ रहे थे अपने घर से, रास्ते में बाजार में मिले। आते ही हरिदास जी ने देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। ये शायद पहला किस्सा होगा इतिहास में कि किसी शिष्य के चरणों में गुरु प्रणाम करके कह रहा हो कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे सेवा कराई, ठीक है। तो अब देवचंद्र जी ने तुरंत गुरुदेव को उठाया और कहा कि गुरुदेव आप ऐसा क्या कर रहे हैं? तो हरिदास जी ने कहा कि देखिए हमें आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी, इतने दिन से हम सेवा कर रहे थे लेकिन कभी साक्षात दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन आपकी कृपा से मुझे दर्शन हुआ और दर्शन देख करके बालमुकुंद जी ने मुझे आपके स्वरूप की पहचान कराई। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मुहे ऐसी बात कही, मुझे ऐसा कहा कि तुम इनको नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, और ये भी कहा कि आपको मैं बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे दूं। अब बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा उन्होंने ली, और सेवा लेकर के अपने घर में जाकर के उन्होंने पधराया। इस तरह से भोजनगर में कई प्रकार की बीतक व्यतीत हुई। अब जब घर में पधराते हैं तो क्या हुआ कि स्वयं सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हरिदास जी को देख करके उन्होंने सीख रखा कि सेवा कैसे की जाती है। तो अब उनका क्या नियम था, क्योंकि वो कर्मकांड भी नियम पूर्वक करते थे, तो उन्होंने नियम बनाया। वो पानी भरने जाते थे, और पानी भरने जाते समय जब वापस आते थे पानी भर के, किसी की परछाई भी पड़ जाती थी, ऊपर से कोई चिड़िया भी गुजरे, तब भी उनको लगता था कि ये पानी अब अशुद्ध हो गया है, मैं अपने आराध्य को ये ऐसा पानी तो भोग नहीं लगा सकता, नहीं अरोगा सकता, नहीं चढ़ा सकता। वापस जाते थे, उस पानी को फेंकते थे और फिर से पानी भर के लाते थे, और ऐसा सोचे कितनी बार करते होंगे। तो ऐसे वो पानी भर के लेके आते थे। रसोई भी अत्यंत विवेक के साथ में करते थे, और सेवा में चितवन रहे, मोको ए वस्त्र करनी आद। चितवन का मतलब होता है दृष्टि। तो उनकी पूरी दृष्टि, पूरा मन, पूरी तन्मयता सेवा में रहती है कि मुझे आज ये करना है। कभी कहते हैं चावल मूंग घीव खांड कर जुदा श्री राज के काज, कि अपने आराध्य के लिए वो चावल मूंग घी खांड मतलब शक्कर समझ लीजिए आज का। तो ये सब कृष्ण जी के लिए, बांके बिहारी जी के लिए अलग करते हैं, और अपने लिए सामान्य सा भोजन बनाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं।
भगवान के लिए अलग, अपने लिए अलग। और अब जब इस तरह से देवचंद्र जी सेवा करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि देवचंद्र जी की पत्नी, उनका नाम है लीलबाई, तो लीलबाई जी को ताना मारते हैं। ताना क्या मारते हैं कि तुम कैसी स्त्री हो कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा पति सेवा कर रहा है, घर का सारा काम कर रहा है। क्योंकि दुनिया का काम क्या है, वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो लोग कहने वाले कहेंगे। हाँ, सामान्य रूप में सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्त्री के रहते पुरुष काम नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। और लोगों को पता ही नहीं कि देवचंद्र जी जिस भाव से सेवा कर रहे हैं वह भाव क्या है। तो लोगों का काम कहने का है। और होता क्या है कि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको एक बीमारी छोड़नी पड़ेगी, और वो रोग कौन सा है, कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। आप अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे तो लोग कहेंगे, मान लीजिए आप 10-15 माताएं सरसावा से आई होंगी ना, 8-10 दिन अगर लोग लगातार देखेंगे तो कहेंगे कि ये महिलाएं इकट्ठा होकर के जाती कहाँ पर है, क्या करते हैं, रोज रोज जाते हैं, इनका तो रोज रोज का नाटक है, ठीक है। इस तरह से लोग कहेंगे, लेकिन हमें इस रोग को हटाना है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि पिता पुत्र कहीं जा रहे थे एक खच्चर को लेकर के। अब एक खच्चर एक ही था, दो लोग तो बैठ करके जा नहीं सकते, तो वो क्या कर रहे थे, बस हाँक करके रस्सी पकड़ करके लेके जा रहे थे। कुछ लोग चौराहे पे बैठे हुए थे, कहने लगे कि देखो कैसे बेवकूफ हैं, खच्चर है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो दोनों बैठ गए। अब खच्चर जबरदस्ती धीरे धीरे करके आगे जा रहा है। अगले चौराहे पर पहुंचे तो कहते कैसे जालिम लोग हैं, एक बेचारे खच्चर पर दो दो लोग बैठे हैं। तो अब बेटा उतर गया, पिता बैठा हुआ है। अगले चौराहे पर पहुंचे तो कहते हैं कि कैसा जालिम बाप है, अपने सुकुमार से बेटे को तो पैदल चला रहा है और खुद राजा बन करके खच्चर पर बैठा हुआ है। अब बाप उतरा, बेटा चढ़ गया। अगले चौराहे पर कहते हैं कि कैसा बेटा है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और खुद खच्चर पर बैठा है। अब वो दोनों उतरे, अब उन्होंने क्या किया कि खच्चर के आगे के पैर भी बांध दिए, पीछे के पैर भी बांध दिए, बीच में से वो बड़ा सा डंडा ले करके ऐसे खच्चर को कंधे पे लटका करके चलने लग गए। क्योंकि कोई अब विकल्प छोड़ा ही नहीं था ना, सभी विकल्प करके देखते आए। फिर थोड़ा आगे पहुंचे तो देखते हैं कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं, खच्चर लोगों को उठाता है, ये लोग खच्चर को उठाए हुए, ये खच्चर है कि ये गधे हैं। अब उन्होंने खच्चर को वहीं पर छोड़ दिया, पैदल चलने लग गए आगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी करेंगे तो लोग शांति से तो जीने नहीं देंगे, इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। यदि आप सही हैं तो सही बने रहिए, यदि आप सही हैं तो सही बने रहिए। अब देवचंद्र जी को देख करके वहाँ लोग ताना दे रहे हैं लीलबाई जी को कि तुम कैसी स्त्री हो कि देवचंद्र जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तुम रसोई क्यों नहीं बना देती, तुम पानी भर के क्यों नहीं ला सकती। तो अब लीलबाई जी सेवा भावना की वजह से नहीं, लोगों की ताने की वजह से कह रहे हैं अपने पति को कि देखो लोग मुझे ताना मारते हैं, आप मुझे सेवा का मौका दे दीजिए। देवचंद्र जी ने क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, कि तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, नहीं तेरो ए काम, ये आपका काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, कि कबहू तेरो चित्त दुखेगो जल भरते इष्ठाम। मेरा तो नियम क्या है कि अगर किसी की परछाई भी पड़ती है तो मैं बार बार पानी बदलता रहता हूँ जब तक परछाई पड़ती रहती है। और अगर तुम्हें ऐसा करना हो और मान लो एक बार दो बार करने के बाद में सोचे कि क्या कर रहे हैं ये, अगर तुम्हारा मन दुखा, मन दुखी हुआ तो वो सेवा भावना मेरी भंग हो जाएगी, इसीलिए ये आपका काम नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे माता पिता की आप सेवा कर दो, यही बहुत है। तो इस तरह से श्री देवचंद्र जी ने जो सेवा भावना थी वो अपनी सेवा भावना जारी रखी और लीलबाई जी को उन्होंने मना कर दिया। अब क्या हो गया, किस तरह से करते करते कुछ दिन बीत गए कि ये मेरी सेवा है, ये मैं ही करूँगा। कहते हैं सेवा करने न दई, सब करें अपने हाथ। सारी सेवा वो अपने हाथ से ही करते थे, और सेवा के साथ में वो क्या करते थे,
हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ, और प्रतिदिन चितवनी करते थे। हम क्या करते हैं, हम जब भोग लगाते हैं ना, तो जैसे सुबह सेवा पूजा करते होंगे तो हमारा ध्यान क्या होता है, कहाँ होता है, हमारा ध्यान होता है आचमन के लिए पानी तैयार करना है, जल तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, उधर रसोई में कुकर की सीटी बज रही है तो जा करके गैस बंद करना है, बच्चों को टाई पहनाना है, कपड़े पहनाने हैं, मोजे ढूंढ करके देने, हमारा ध्यान उसमें होता है, ठीक है। देवचंद्र जी भोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं कि बांके बिहारी जी के सामने भोग रख देते हैं और आँख बंद करके वो चितवन करने लग जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान पूर्वक ही वो भोग लगाते हैं। तो अब हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ, अब इसी तरह से वो सेवा करते हैं। और अब आगे क्या हो गया कि उन्हें जब वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान की अवस्था में एक दिन कह रहे इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। अब ध्यान के क्रम में उन्हें ऐसा अनुभव हो गया कि मैं ब्रजमंडल में पहुंचा हूँ। अब चूंकि वो सखी भाव से करते थे, स्वयं को राधा का भाव लेकर के सेवा करते थे, तो उनको ऐसा लगा, राधा जी को लगा कि मैं ब्रजमंडल में पहुंच गई हूँ। और कहाँ पर, नंद बाबा के द्वार में। अब वहाँ पहुँचने के बाद में किस तरह से वो जाकर के श्री कृष्ण जी से मिलते हैं, किस तरह से उनका ध्यान भंग होता है, तो उससे ध्यान करने वाले को शिक्षा क्या मिलती है, राज्य का दीदार कैसे होता है, कि कौन सी प्रक्रिया से गुजर करके हमें दर्शन हो सकता है, और उसके बाद ये तो दूसरी बार के दर्शन का प्रसंग है, फिर आगे अब तीसरी बार अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में राज्य श्री देवचंद्र जी को कैसे दर्शन देते हैं, किस तरह से वो भागवत सुनते हैं, कैसे देवचंद्र जी की परीक्षा होती है, इन सब विषयों की चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा हो चुका है, चौपाई दोहराइए। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन, द्वार नंद के रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।